हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर सीआई के कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हैं और स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीआई के कुछ प्रश्न हैं, जैसे किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का एसआई 50 रुपया है तो उसी दर से इतने ही समय के लिए सी आई कितना होगा, ये निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एस आई जान रहे हैं तो सी आई निकालना है, और सी आई जान रहे हैं तो एस आई निकालना है। कैसे निकलेगा? इसके लिए एक फार्मूला होता है, जिसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं। ट्रिक होता है, ट्रिक क्या है? तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है जो आपको हम देने जा रहे हैं। इसको सीख के आप एस आई से सी आई का और सी आई से एस आई का जानकारी आराम से ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ध्यान देंगे कि हमारा जो पूछा गया प्रश्न है वो कितने ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए, टू ईयर के लिए एक फार्मूला होता है। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या फार्मूला होता है, क्या ट्रिक है? तो वो देखिए क्या है, सी आई बराबर एस आई प्लस एस आई इंटू आर बाय 200। ये ट्रिक हो गया, जिसको आप याद कर लीजिएगा तो ये बार बार यूज़फुल होगा आपके लिए, और बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा बनाने का, नहीं तो सिंपल नियम से अगर हम बनाएंगे तो एसआई और सीआई से एसआई, एसआई से सीआई बनाना बहुत ही कठिन होता है। ये छोटा सा फार्मूला है, ये 2 वर्ष के लिए लागू होता है, ये ध्यान देना है। क्या है, सीआई बराबर एसआई प्लस एस आई इंटू आर बाई 200। ये ध्यान रखिएगा, आपके मन में कभी कभी आएगा कि यहाँ 100 होता होगा, नहीं 200 होता है। अब सी आई हमको निकालना है, सी आई की जगह सी आई ही लिखेंगे। एस आई दिया हुआ है 50 रुपीज, तो यहाँ 50 रुपीज का यूज करेंगे। फिर एस आई दिया हुआ है, वहाँ भी वही एस आई का यूज होगा, 50 इंटू आर, आर का मान दिया हुआ है 5% बाय 200 लिखेंगे यहाँ पर नीचे में। अब इसको कैंसिल करेंगे, देखेंगे कि कैंसिल कितने बार में होता है। तो 0 पहले कैंसिल कर लेंगे, आसान होगा। फिर 5 से 4 बार में, अब क्या हुआ कि सी आई बराबर एक बार और लिखेंगे 50 प्लस, और 5 में जब 4 से डिवाइड करेंगे 1 to 5 आएगा पॉइंट के बाद। अब सी आई बराबर हमारा आंसर हो गया हमारा 51.25। ये हमारा सी आई आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जिसका एस आई 50 रुपीज था, उसका सी आई उसी रेट पर 51.25 रुपया आ गया। इस टाइप का कोई भी सवाल अगर 2 वर्ष के लिए पूछा जाता है तो आप आराम से बना लीजिएगा। इस टाइप का एक सवाल और हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी बार क्या है कि 12% रेट कितना परसेंट है, 12%। और क्या दिया हुआ है, सी आई अगली बार दिया हुआ है, सी आई कितना दिया हुआ है 2 वर्ष का। एक मिनट, थोड़ा सा हम लिखते हैं सवाल को, फॉर्मूला वही रहेगा, फिर से लिख लेंगे हम लोग। 2 वर्ष का चलिए, तो किसी धन पर 2 वर्ष का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सी आई दिया हुआ है 1590 रुपीज़, 1519 रुपीज़। तो इसी दर पर एस आई कितना होगा। लगभग सेम सवाल कहा जाए तो सेम ट्रिक लगेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ भी हमको क्या दिया हुआ है कि अगली बार सी आई दिया हुआ है और एस आई निकालना है, तो उसी फॉर्मूले को लिखेंगे 2 वर्ष के लिए जो हम यूज करते हैं ट्रिक का।
2 वर्ष के लिए याद करने के लिए इसको बार बार लिखेंगे, CI बराबर SI प्लस SI इंटू R बाय 200। 2 वर्ष है तो यही फार्मूला लागू होगा, फिर 3 वर्ष के लिए अलग फार्मूला हो जाता है, तो हम ये फार्मूले का यूज करेंगे। क्या लिखना है यहाँ पर, CI के जगह दिया हुआ है 1590। अब यहाँ SI निकालना है तो SI ही लिखेंगे, कुछ XYZ नहीं लिखना है, SI के जगह SI ही लिखना है, R के जगह 12% लिखना है, बाय 200 लिखना है, 200। अब कैंसिल करेंगे, 43 जा होता है, अब 45 जा होता है, इतना आ गया। इसका हम लोग LCM लेके एडिशन करेंगे, तो 1590 इक्वल टू SI, LCM ले लीजिए, इसका LCM 50 हो गया, यहाँ लिखेंगे 50 SI और प्लस 3 SI, तो आपका 590 बराबर 53 SI बटे 50। अब ये 3 से ये कैंसिल हो गया, 53 से कैंसिल हो गया, क्या बार में 30 बार में, अब आप SI बराबर लिख सकते हैं, ये 50 यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1500 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए, 2 वर्ष के लिए ये CI से SI, SI से CI बनाने के लिए हमारा ये ट्रिक जो है काफ़ी मददगार है, इसको ध्यान से पढ़िए, और ज़रूर है कि इस वीडियो से आप बहुत अच्छे चीज़ को सीख रहे हैं। हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। चलिए, वीडियो तब लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो, बाय।